गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का आपका लेक्चर नंबर 8 लेके आपके सामने आए हैं। इस लेक्चर में आज सीखने वाले हैं हम लोग की सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ध्यान देंगे कि सीडो सुनने ही से लग रहा है कि एक सीडो का मतलब होता है फॉल्स, छिपा हुआ, कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे छिपी होगी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में। अब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली में बोलते किसको है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। ये कहता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका कि ऑर्डर तो वन है, जिसका ऑर्डर तो वन है, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस है, जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे, मोर देन वन होंगे। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मोर देन वन, ऐसे क्लास ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शंस। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस क्लास में फॉल कर रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन। हम आपको पढ़ा क्या रखे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो होते हैं ओवरऑल ऑर्डर्स क्या होते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस के इक्वल होते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस का बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है, यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ स्पेशल एग्जांपल आपके सामने आएंगे जो कि एलिमेंट्री होगा रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी कुछ अलग होगा, ऑर्डर कुछ अलग होगा, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन वन होगा और ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो चलिए आप हमारे लेक्चर के सामने बने रहिए और इसका सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को आप आसानी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच the value of order of reaction, the value of order of reaction is one. Value of order of reaction क्या होगा, one होगा, but मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज मोर देन वन इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं सीडो, सीडो यूनिमोलिकुलर या फिर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है आपका सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, आप अगर कह चाहो तो इसको डिफिनेशन के तौर पे आप अपने कॉपी में इसको नोट लगा सकते हो कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसकी की ऑर्डर तो वन होगी लेकिन उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या आएगा, मोर देन वन आएगा, मोर देन वन। वैसे क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके मतलब है सीडो का मतलब कुछ छिपा हुआ तो जरूर है जो कि मॉलिक्युलरिटी के बराबर ऑर्डर नहीं आ पा रहा है, ये क्या बात छिपी हुई है। तो इसको जानने के लिए आप इस लेक्चर को पूरी तरह देखना होगा, आपको आप पूरी तरह देखिए और इसको बड़ा ही आसानी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल ये समझ में आएगा आपको, हमारा वादा है कि आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए, द केमिकल रिएक्शंस में देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, कुछ एग्जांपल है, स्पेशलाइज्ड एग्जांपल है जो कि इस ऑर्डर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कहलाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, मैं उस एग्जांपल से आपको मिलाना चाहूँगा जो कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल है, और शायद आप जैसे ही रिएक्शंस मैं लिखूंगा आप इस रिएक्शन से ऑलरेडी पहले से फैमिलियर हो, परिचित हो, या फिर जो बच्चे नहीं देखे हैं उसके लिए भी कोई बातें नहीं है, उसको नई चीज़ सीखने को तो मिल जाएगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल पे आएंगे, इसके एग्जांपल क्या कहता है ध्यान देंगे आप। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल हम देंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम मतलब कि एच प्लस के प्रेजेंस में इसकी एस्टर के हाइड्रोलाइसिस। आप जानते हो कि एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर सी ओ आर का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है,
H प्लस के प्रेजेंस में, तो RCOO इससे H आप ले सकते हो, तो ये क्या बन गया, कार्बोजलिक एसिड। और दूसरा पार्ट जो बनेगा अल्कोहल बनेगा, मतलब कि जब भी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस आप कराते हो तो क्या होगा, एक तो बन गया आपका ये एसिड कार्बोजलिक एसिड, दूसरा आपका अल्कोहल बन गया, ये हो गया आपका। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस पर कुछ हम आर के जगह पे कुछ आपका कॉमन एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लिखता हूँ CH3, ये COO को आप एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह आर के जगह पे हम मिथाइल ले लिए, इथाइल ले लिए, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे H प्लस, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो बनने वाला एसिड है CH3COOH होगा, इथेनोइक एसिड, और दूसरा पार्ट होगा C2H5OH। बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो हम रिएक्शन लिख लिए कि देखिए रिएक्शन हमारा क्या कहता है कि इसके मान लें कि एक मोल लिए हुए हैं, एक मोल अगर हम लिए इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट लिए, एस्टर लिए, मान लें एक मोल वाटर लिए, तो इतना लेने के बाद क्या हुआ, हमारा क्या हुआ कि ये दोनों प्रोडक्ट बन गया, ये दोनों प्रोडक्ट बन गया, मतलब इतना ही हमको ज़रूरत है, वाटर का एक मोल, इसका एक मोल अगर लेके हम रिएक्शन को करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अगर ऐसा है, अगर ये अपने आप में कहता है एलिमेंट्री भी रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल नहीं है, मान लीजिए एलिमेंट्री सपोज रिएक्शन है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, रेट इज इक्वल टू, देखेंगे रेट इक्वल टू के हो गया यहाँ पे, रेट इक्वल टू के, और यहाँ पे देखिएगा कि CH3COO C2H5 और ये H2O का ये कंसंट्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे कि इस रिएक्शन का, इस रिएक्शंस का आपको कोई पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि क्या होगा, दो होगा मॉलिक्यूलरिटी, एक रिएक्टेंट यहाँ, एक रिएक्टेंट यहाँ, यहाँ पे कोई इफेक्टिव कोलिजन होगा दोनों के बीच में, तो दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, दो होगा, क्लियर है, मतलब कह सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर्स है, कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर्स है। लेकिन आप साथ साथ ये भी, अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा, ये एग्जांपल याद नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे कि गलती कर बैठोगे, यहाँ पे वन और वन रखोगे, आप बोल के आओगे या फिर लिख के आओगे कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी क्या है, दो है, ठीक है, वन प्लस वन टू, लेकिन ऐसा मत करना आज के बाद से। यहाँ पे मैं एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शंस में ऐसी क्या खास बातें हैं जो कि इसको सेकेंड ऑर्डर ना कह के हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, बात आती है, सपोज कि इसका हमने एक मोल यूज़ किया, इसका हमने एक मोल लिया, और वाटर का क्या किया, वाटर तो हमारा, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्वेंट का ऐसे ही मात्रा ज़्यादा ही रहता है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का मात्रा ऐसे भी ज़्यादा होता है, और वाटर को आप कितना भी यूज कर सकते हो, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। मान लें इसका हम ले लिए सपोज यहाँ पे 100 मोल ले लिए वाटर का, तो 100 मोल ले लिए, और 100 मोल लिए तो ज़रूर, 100 मोल तो हम लिए तो ज़रूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में कितना मोल का यूज हुआ, सिर्फ एक मोल का खर्चा हुआ, एक मोल खर्च किए इसमें, सिर्फ और सिर्फ कितना मोल का खर्चा हुआ, हमारा एक मोल का खर्चा हुआ, बोलिए कि कितना मोल बच गया, 99 मोल हमारा रिमेंस रह गया, मतलब कि 99 क्या रह गया, सॉल्यूशन में मौजूद ही रह गया। इसके मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जितना हम वाटर बहुत उठाए थे लेकिन उसका नेग्लिजिबल अमाउंट खर्च हुआ, बहुत कम खर्च हुआ, तो ओवरऑल वाटर का जो कंसंट्रेशन है क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, ओवरऑल वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह गया। जस्ट लाइक क्या, एक क्या करो, बड़ा सा डब्बा में पानी भर दो, बड़े से बाल्टी में पानी भर दो, ठीक है, उससे थोड़ा सा पानी, एक कप निकाल लो, आधा कप निकाल लो, तो क्या उसके वेट में कोई खासा फर्क आएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक बाल्टी पानी है, हम लोग मान लें कि बहुत ज़्यादा उसका वजन हो गया, अगर आधा कप उससे निकाल लें, क्या उसका वजन कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि उसका वजन में कुछ कमी आएगा, हम लोग उठाएं ले या निकाले या ना निकाले, बात तो ही रह गया, ठीक है। आधा कप अगर हम बाल्टी से, भरे बाल्टी से पानी निकाल लें, क्या उसके वजन में कितना कम गिरावट आ जाएगा, कुछ गिरावट नहीं आ जाएगा, कह सकते हैं उसके जो वेट थे रिमेंस कांस्टेंट ही रह गया, बात क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया। तो अब बात यही चीज़ छिपा हुआ था रिएक्शन में, छिपा हुआ क्या था, यही बात छिपी हुई थी कि वाटर का कंसंट्रेशन हायर अमाउंट में था
और बहुत कम अमाउंट खर्च हुआ, सारा का सारा रह गया, जो रह गया था वही बात तो छिपी हुई रह गई, वही छिपा हुआ था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान देंगे, अब क्या लिख सकते हैं कि वाटर क्या रह गया, यहाँ पे वाटर क्या रह गया, कॉन्स्टेंट रह गया, वाटर ओवरऑल कॉन्स्टेंट रह गया। तो अब कह सकते हैं कि रेट इसका जो लिखेंगे, रेट इक्वल टू के सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव, ये वाटर क्या है यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वाटर क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब कह सकते हैं ये कॉन्स्टेंट, एक वाटर का कॉन्स्टेंट, ये दूसरा कॉन्स्टेंट मिला के एक नया कॉन्स्टेंट को तैयार किया है, एक नया कॉन्स्टेंट को तैयार किया, जिसको आप इस तरह से के डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हो, के डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये हो गया हमारा रेट, ये क्या हो गया रेट। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि के डैश इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, के डैश किसके बराबर हो गया, के को गुना कर दीजिए, के को मल्टीप्लाई कर दीजिए वाटर से, एक नया कांस्टेंट निकल के चलाएगा। अब बताइए कि अगर आप पूछेगा कि इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, वन हो गया, क्या हो गया ऑर्डर, आप तो बोल सकते हैं कि पावर क्या है, वन हो गया। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन के अंदर बातें छिपी हुई थी, ठीक है। अब ये क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी वही रहेगा, मॉलिक्युलरिटी क्या है, दो है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, दो है, लेकिन ऑर्डर क्या है, वन है। ऐसे रिएक्शन को क्या बुलाइएगा आप, ऐसे रिएक्शन को क्या बुलाइएगा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी होगी। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ, वो भी एग्जांपल बड़ा ही प्रचलित एग्जांपल है, उस रिएक्शंस भी आप फैमिलियर हो। दूसरा एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, केन सुगर मतलब सुक्रोज, इन्वर्ट बना देगा, इन्वर्ट सुगर बनाता है ये, आप आगे ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। C12H22 और O11 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है C6H12O6, ये हो गया सपोज ग्लूकोज, और दूसरा यूनिट जो बनेगा इसका क्या बनेगा, फ्रुक्टोज। ये बात बाद में जानेंगे आप, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन, छोड़ दीजिए उस बातें को, यहाँ पे हम बाद में जानेंगे क्या है इन्वर्ट सुगर, डेक्सट्रोरोटेटरी, लिबोरोटेटरी क्या है, वो बात की बात है। यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका अगर हम लिखना चाहेंगे ये रेट, तो आप क्या लिखिएगा, के C12H22O11 और कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। मॉलिक्युलरिटी तो अभी भी रिएक्शन का क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को पूछे, मॉलिक्युलरिटी है दो, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन से, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन है, लेकिन क्या हम ऑर्डर अभी मत बुलाइएगा इसको, कि एक और एक दो करके मत बोल दीजिएगा सेकंड ऑर्डर है, गलत हो जाएगा, इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटली क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो बात यहाँ पे भी वही लगेगा कि मान लें सक्रोज के हाइड्रोलाइसिस में हमको एक मोल सक्रोज की जरूरत हुआ, यहाँ सपोज हम ले लिए, आप 1000 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, बहुत सारा पानी ले लीजिए, चलिए मान लें यहाँ पे हम सपोज फिर यहाँ पे 1000 ले लिए, 1000 में कुछ अमाउंट एक मोल खर्च हो गया, एक मोल ही खर्च हुआ हमारा, मतलब एक मोल खर्च करने से मेरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत कम मात्रा का जरूरत था पानी का, बन गया, तो एक मोल खर्च हुआ तो बच गया होगा बहुत सारा अमाउंट, मान लीजिए इससे 1000 से निकाल दीजिए एक मोल, 999 मोल बच गया, इसके मतलब क्या हुआ, इसमें क्या कुछ गिरावट आएगा, कुछ गिरावट नहीं आएगा, बात वही रह गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा कि वाटर क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, वाटर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। अब रेट क्या लिखिएगा, रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 और ये वाटर का कंसेंट्रेशन, ये दोनों, ये वाटर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट तैयार करेगा, ये नया कांस्टेंट बनाएगा C12H22O11। अब बताइए कि अब क्या हो गया, अब लिख सकते हैं K डैश इक्वल टू के इंटू वाटर का कंसेंट्रेशन, इज इट क्लियर। अब देखिए ऑर्डर क्या आ गया, वन, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ बातें छिपी हुई थी। आई थिंक आपको सारा चीज़ क्लियरली समझ में आया होगा कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, इसके एग्जांपल आप जरूर याद रखें, क्लियरली है, हर कुछ ट्रांसपेरेंट है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस, ये जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इसके दो एग्जांपल जो है, ये दो एग्जांपल अक्सर मिलेगा आपको, इसे कोई भी मान लो एग्जाम देने जाते हैं, इनमें से कौन सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, तो आप इस दो एग्जांपल को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है।
आई थिंक आपको सारी बात क्लियरली अगर समझ में आया होगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।